ये हमारा जमीर मर चुका है, हमारा किरदार कैरेक्टर मर चुका है। सरकार फरमाते हैं अम्मा जी अब आप पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अदा दाई है कि माँ का बुरा बड़ी बड़ी सुनो, उनकी माँ के पास बैठा करो, माँ से मोहब्बत की बातें किया करो, जब जिंदगी से आओ ना उसे पैसा कमा लेना ही यार जिंदगी नहीं है, घर आओ ना तो सबसे पहले सलाम करके माँ के पास जाओ, जरा उसके पाँव के करीब बैठ जाओ, आहिस्ता से अपना हाथ रख के वो अम्मा जी दिन कैसे कटी, खाना मिला पानी मिला यार, तुम एक बार बैठ कर मुस्कुराने का ना माँ के पास तो माँ को दिन भर की थकावट खत्म हो जाएगी, माँ दवा देगी बेटा टेंशन न ले, मैंने खा लिया क्या तुमने खाया के नहीं खाया, जाओ जाओ खाओ मेरे पास कब तक बैठो, मुँह हाथ धोलो, अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे इख्लास की वजह से तेरी माँ खुश होकर तेरी बीवी को आवाज देगी, बहुत बेटा आ गया है चाय भी दे दो और बिस्किट भी दे दे। लेकिन हम लोग जो ही दागे लिए तो माँ के कमरे में जाते हैं, बुढ़ी माँ तो इंतजार करती है ना, बड़ी मशक्कत से हफ्ते में कभी बेटे के पास आ जाती है, मैं कहूँगा नहीं सिर्फ मिलाद मनाने वाला ही बन बनिए, याद रखिए हम साहब आका के मिलाद की रात आती है ना, हर गली सज गई हर मैं मक्का सज गया, अल्लाह माँ के पीछे तल लगाओ, हाथ से अपने बाप के पीछे तल लगाओ, बीवी बच्चे कहेंगे हम नहीं है, कहना अरे अगली तू तो है ही, कभी सरकार की सुन्नत न तो अदा कर ले रहे हो, आका की सुन्नत न भी तो जिंदा कर ले रहे हो, कसम खुदा की तेरी माँ की दुआएं मिलेंगी ना, तेरी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाएगी, हर मुसीबत आसान हो जाएगी, सुनो सुनो आका ने आगे क्या कहा, अम्मा जी नहीं रहेंगी कबीले बड़े साथ जाएंगी, कहा हाँ आका मुस्कुराए, कहा सहाबा घर जाओ और आयशा से कहना कि घर में जितनी दौलत है सब भेज दे, आज मेरी माँ आई है उन्हें रिश्वत करना, आका तो घर का पूरा माल देकर सैयदा दाई हलीमा को रुखसत कर रहे हैं, अरे नौजवान बुरा न मानना, तुम दूरी कमाई क्या दोगे, माँ मांगे तो 10,000 नहीं देते।